केंद्र, ठीक है। समझो प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। ये हमारा कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। अभिलंब। ये हमारी क्या होगी? मुख्य अक्ष, ठीक है। कल बताया था हमने मुख्य अक्ष। ये क्या है? मुख्य अक्ष। देखो प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु। क्या होता है? मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधी रेखा में निकल जाती है, ठीक है। प्रकाशिक केंद्र क्या होगा? मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ठीक है। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, ठीक है। वही बिंदु क्या कहलाता है? प्रकाशिक केंद्र। क्या कहलाता है? प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। समझ में आई बात? क्या कहलाता है? प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। प्रकाशिक केंद्र को हम सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। किससे? सी से। ये प्रकाशिक केंद्र की जो परिभाषा हमने बताई है ये पतले लेंस के लिए होती है, ठीक है। किसमें लागू रहती है? पतले लेंस पे, ठीक है। मोटे लेंस में एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधी रेखा में निकल जाती है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। क्या? लेंस का प्रकाशिक केंद्र गलत। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। क्या? इसे यदि लेंस की वृत्ता त्रिज्याएं बराबर हो। क्या? वृत्ता त्रिज्या बराबर हो, ठीक है। इसकी भी वृत्ता त्रिज्या की दूरी कितनी है? दोनों की दूरी अगर बराबर है तो प्रकाशिक केंद्र लेंस का मध्य बिंदु होता है, ठीक है। लेंस का मध्य बिंदु, ठीक है। अगर प्रकाशिक इसमें लेंस की वृत्ता त्रिज्याएं बराबर है तो लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या होगा? उसका मध्य बिंदु, लेंस का मध्य बिंदु, ठीक है। एक्चुअली में देखो ये होता क्या है, ये है, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। प्रकाश की किरण ऐसे पड़ी, ठीक है, ये पड़ी, ये ऐसे हटी हल्का सा, ठीक है, और फिर ये ऐसे आ गई, ठीक है। ये समांतर होती है, ठीक है, लेकिन प्रकाश की किरण पड़ी, अपवर्तित हुई, ठीक है, फिर यहाँ अपवर्तित हुई, और ये जो जहाँ से चली थी वो और जो बाद में आई है वो एक दूसरे के समांतर होती है, ठीक है, जो हमें ऐसा प्रतीत कराती है कि बिना विचलित हुए सीधे निकल आए। एक्चुअली में ये पतले लेंस में इतना माइनर होता है कि हमें वो लगता है कि वो सीधी रेखा में निकल आए। एक्चुअली में सीधी रेखा में प्रकाश की किरण नहीं निकलती है, ठीक है, समझ में आई बात? वो अपवर्तित होकर समांतर निकलती है, वो हमें पतले लेंस में बहुत कम होता है इसलिए पता नहीं चलता, इसलिए वो हम क्या कहते थे कि समांतर निकल गई, ठीक है। तो प्रकाशिक केंद्र समझ में आया? लेंस का वह बिंदु जिससे
प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधी रेखा में निकल जाता है, निकल जाती है। ठीक है, प्रकाश के बिना विचलित हुए सीधी रेखा में निकल जाती है। वह बिंदु लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। समझो, लेंस की फोकस तथा फोकस दूरी क्या होती है। ठीक है, दर्पण में हमने पढ़ा था ना फोकस तथा फोकस दूरी। ठीक है, ऐसे हम समझेंगे लेंस की फोकस और फोकस दूरी क्या होती है। ये कौन सा लेंस है? उत्तर लेंस। ठीक, ये आउटर लेंस। ठीक, ये मुख्य है। यहाँ पास प्रकाशिक केंद्र क्या है? प्रकाशिक केंद्र। फोकस क्या होता है? देखो, मुख्य अक्ष पर स्थित कोई बिंदु। ठीक है, मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है। ठीक है, जिससे चलने वाले प्रकाश की किरणें, ठीक है, जिससे क्या चलने वाली प्रकाश की किरणें या फिर मुख्य पर स्थित कोई बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें। ठीक है, समझे? देखो, मुख्य अक्ष पर स्थित कोई प्रकाश, मुख्य अक्ष पर स्थित कोई बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें। ठीक है, मुख्य अक्ष पर स्थित कोई, मुख्य अक्ष पर स्थित कोई बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें या फिर मुख्य अक्ष के किसी बिंदु की ओर जाते प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं? लेंस का फोकस। लेंस का फोकस, ठीक है, क्या कहते हैं? फोकस। इसे F1 से डिनोट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये प्रथम फोकस है, लेंस का प्रथम फोकस। ठीक है, लेंस का क्या है? ये प्रथम फोकस है। ठीक है, बिंदु था, यहाँ से प्रकाश की किरणें चली या फिर किसी बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली, ठीक है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। जो मुख्य अक्ष पर ये बिंदु है इसी को हम लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। और प्रकाशिक केंद्र तथा प्रथम फोकस तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस बिंदु, ठीक है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। यानी कि हमारी CF- क्या हो जाएगी? प्रथम फोकस दूरी। इधर भी CF- क्या हो जाएगी? हमारी प्रथम फोकस दूरी। तो लिख लो इसकी डिफिनेशन।
प्रकाश की किरण, ठीक है, अपवर्तन के बाद या पश्चात, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। लेंस के इस बिंदु को लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। ठीक है, इसे एफ डैश से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तथा प्रकाशिक केंद्र व फोकस बिंदु प्रकाशित केंद्र से फोकस बिंदु तक की दूरी प्रथम फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, CF क्या है? प्रथम फोकस दूरी। ठीक, देखो लेंस में दो फोकस दूरी होती है। ठीक है, हमने अभी पढ़ा प्रथम फोकस दूरी, द्वितीय फोकस दूरी क्या होती है समझते हैं। ठीक है, ये हमारा कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। ये मुख्य अक्ष, ये प्रकाशिक केंद्र। देखो, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें क्या, किसी लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, किसी एक बिंदु से होकर जाती हैं। ठीक है, अपवर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु से होकर जाती हैं, या फिर ये हमारा कौन सा लेंस? ये था उत्तल, ये अवतल। देखो ये क्या है? मुख्य अक्ष, ठीक,
ये क्या हमारा प्रकाशिक है। या इसमें देखो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात या तो किसी बिंदु से होकर जाती है या फिर किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, ये जो बिंदु हमें प्राप्त होता है यही क्या होता है हमारा द्वितीय फोकस। क्या होता है हमारा द्वितीय फोकस। इसी बिंदु को हम लेंस का क्या कहते हैं द्वितीय फोकस। और प्रकाशिक केंद्र से तथा द्वितीय फोकस तक की दूरी को हम क्या कहेंगे द्वितीय फोकस दूरी। ठीक है, क्या कहेंगे द्वितीय फोकस दूरी। समझ में आई बात, चलो लिख लो। लेंस के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात ठीक है अपवर्तन के पश्चात लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु में से जाती हुई या किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। इस बिंदु को लेंस का लेंस की द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं द्वितीय फोकस दूरी, सॉरी इसे द्वितीय फोकस कहते हैं, द्वितीय फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, इसे F2 से प्रदर्शित करेंगे। किसे करेंगे F2 से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं तथा प्रकाशिक केंद्र क्या प्रकाशिक केंद्र से ठीक है प्रकाशिक केंद्र से फोकस बिंदु ठीक है फोकस बिंदु तक की दूरी द्वितीय फोकस दूरी कहलाती है। द्वितीय फोकस दूरी, देखो द्वितीय फोकस दूरी क्या होगी सी एफ टू ठीक है कहलाती है।